वेलकम एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, माशाल्लाह से आज आठवें रोजे की इफ्तार की तैयारी हो रही है। तो आज मैं यहाँ बनाऊंगी ये वड़ा, चने की दाल का वड़ा मैं बनाऊंगी। तो उसकी तैयारी कर ली हूँ मैं। और ये आलू जो है ना, जो मैं आप लोगों के साथ कल प्रीवियस वीडियो में शेयर करी थी फिंगर्स, ब्रेड फिंगर्स, तो आज मैं ना इसको समोसे की शक्ल में मतलब वो करूँगी, फ्राई करूँगी, समोसे की शक्ल दूंगी इस आलू मिक्सचर को। और ये बस मुझे ये करना है, इसमें मिक्सर है ना ग्राइंड करना है। और इसे इसके साथ भी मैं प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया और लेमन वगैरह के साथ गार्निश करके ना हम लोग थोड़ा इफ्तार में इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। मेरे ससुराल में ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, अम्मी अब्बू लोगों को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर, यहाँ मैं क्या क्या बना ली वो भी मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ बन गया है जी पनीर, मटर नहीं डाली हूँ इसलिए मैं मटर पनीर नहीं बोल रही हूँ, पनीर, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत दिन हो गए थे, मतलब जब से हम लोग ने रमज़ान में मतलब ये रोज़ा रखना शुरू किए ना, तो मैं नहीं बनाई थी ये पनीर। तो आज मैं सोची पनीर और लास्ट में ना मैं फ्राई करूँगी पूरी, सिंपल पूरी, बिल्कुल आटे की सिंपल पूरी, गेहूं के आटे की पूरी रहेगी। और यहाँ तैयारी हो रही है, डिनर की तैयारी भी मैं कर ली हूँ। तो यहाँ बस सिंपल आलू चना पुलाव बोल सकते हैं, तहारी बोल सकते हैं। तो ये रेडी हो गया अपना, बस दम देना बाकी रह गया थोड़ा सा, तो बस ये भी हो जाएगा अपना ज़बरदस्त। तो बस दम के लिए मैं रखी हूँ इसे, अभी हल्का हल्का है, कसर बाकी है, तो हो जाएगा ये। फिर उसके बाद मैं फटाफट से चने के दाल की टिक्की शेयर करूँगी रेसिपी आप लोगों के साथ। आज फुल वेज इफ्तार मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, रमादान डे 8 वेज इफ्तार मेन्यू। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं, फटाफट से दाल की टिक्की मैं बना लेती हूँ, पहले ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर में। और यहाँ एक कप दाल ना मैं रात भर भिगो के रखी थी, चने की दाल जो है ना रात भर भिगो के रखी थी, और अच्छे से दो तीन पानी धोने के बाद फिर मिक्सर ग्राइंडर में ज़रा सा अदरक और हरी मिर्च, बिल्कुल मतलब चार से पांच थी हरी मिर्च, और इसे अच्छा सा बारीक सा पेस्ट मैं बना लूँगी। बहुत बारीक नहीं करेंगे, दरदरा भी चलेगा थोड़ा बहुत, अगर चंक्स रहेंगे ना चने की दाल के तो चलेगा। और यहाँ प्याज डाल दी थी, एक मीडियम साइज़ का था, और हरी मिर्च, ज़ीरा काली मिर्च और हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर बिल्कुल हल्का सा, और नमक, दैट्स इट। और बस इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। अच्छा, ये चने की दाल भी ना रात भर भिगो के रखी थी, तो उसी में से मैं निकाल ली थी एक्स्ट्रा, और बस चाट का काम ना आज ये करेगा। प्याज और हरी मिर्च बस अभी मैं मिक्स करके रखी थी, अभी लेमन और नमक वगैरह ने नहीं शामिल करी थी। अच्छा जी, यहाँ पर ना समोसा पट्टी भी मैं ले ली थी, तो जो आलू की फिलिंग मैं दिखाई ना आप लोगों को, तो आज मैं सोची ना कि आलू की फिलिंग से ना ये समोसा, आलू समोसा आज मैं रेडी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ फ्राई करने के प्रोसेस देख लेते हैं, फ्राई करने का क्या प्रोसेस है। तो बस बिल्कुल भी हाथ वगैरह ऐसा अपन को गीला नहीं करना पानी से या तेल से, बस ऐसे टिक्की, सिंपल टिक्की बनाते जाना, ठीक है। चने की दाल की टिक्की बोल सकते हैं, चने की दाल का वड़ा बोल सकते हैं, जो मन चाहे बोले, तो बस तरीका वही है। बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया ना ऐसा, तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी क्विक बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस ये कि रात भर भिगो के रखना पड़ता है, ठीक है जी। और यहाँ बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देंगे, और ये अच्छे से फ्लिप करते हुए ना, अच्छा नीचे से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना, मतलब फ्राई हो जाएगा ना, तब अपन ये फ्लिप करेंगे, ठीक है। बिल्कुल कच्चे में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पूरा ना ये टूट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा सा सिक जाए तब अपन फ्लिप करते हुए दो से तीन मरतबा ना ये फिर क्या बोलते हैं फ्राई करके अपन दूसरे प्लेट में ना ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ देखिए, ये बस ज़बरदस्ती अपनी चने की दाल की टिक्की वड़ा ये रेडी हो गया। और बस इसी तरीके से ना मैं ये समोसा भी मैं फ्राई कर लूँगी। और समोसे का मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ फोल्ड करने का तरीका शेयर करी हूँ, इसलिए मैं इसमें ना टाइम पास नहीं करी, बस फटाफट मैं फ्राई करने का यहाँ काम कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे ना साथ साथ में मैं पूरी भी फ्राई कर रही थी, और यहाँ टेबल रेडी हो गया था। बहुत ही सिंपल आज इफ्तार बनाई हूँ मैं, और बहुत कम आज चाट वाट भी नहीं बनाई, क्योंकि बस मन उब गया था, चाट की जगह आज ये है ना इफ्रा, दाऊ दादी को बहुत पसंद है ना ये। आज चिकन मटन नहीं है, सिर्फ वेज। अच्छा लग रहा है ना इफ्रा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है इफ्तार में।
तो जब तक सोचिए थंबनेल के लिए ना ये निकाल लेती हूँ फ़ोटो वगैरह। पूरी अच्छी फुली फुली बनी थी, लेकिन अभी के टाइम ना थोड़ी देर के बाद कैसा श्रिंक हो जाता है, तो बस वही हो गया है। और सिंपल शरबत है नींबू पानी। अच्छा, दाल की टिक्की जब आप लोग मतलब ये ग्राइंड करेंगे ना तो हल्का सा पानी भी शामिल कर देंगे। वैसे मैं दिखाई हूँ बस ये कि बोली नहीं। और अगर से आप लोगों को लगेगा ना कि थोड़ा सा मतलब बैटर ना गीला हो गया तो थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और बस अच्छा सा ये मिक्सचर अपना रेडी हो जाएगा, अच्छा सा दाल की टिक्की ये रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ फाइनली हम लोगों का टेबल रेडी हो गया था और इफ्तार कर रहे थे यहाँ। और पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ ना मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कढ़ाई पनीर, पनीर रोल, मटर पनीर, पनीर मखनी, बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ बस आज ना मैं ये चाट, फ्रूट चाट बोल सकते हैं, हल्का सा चाट मसाला, शक्कर, नमक और ये सब मैं मतलब इसमें मिक्स कर दी थी। और फिर अच्छा सा ये फिर हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। और लास्ट तक व्लॉग देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत आज मज़ा आने वाला है। और क्या मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज है, मतलब क्या कौन सा गेम है वो भी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि मतलब वो गेम खेल के ना हम लोगों को बचपन की याद आ गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना अपना ये अपना इफ्तार इन्जॉय कर रहे थे, अपना अपना क्या सब एक साथ ही इन्जॉय कर रहे थे। तो या आप लोग लास्ट तक व्लॉग देखें। और हाँ, फिर उसके बाद ना 2 से 3 दिन पहले हम लोग ये सब गेम खेले थे, तो वो एंजॉय करें आप लोग। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लाओ दो आपके, हाँ दो मेरे, हाँ ये दो आपके, देखना मम्मी पापा बुला रहे हैं, एक आपका है। ओके ठीक है, आप कितने कितने की गेम खेले? दो दो की। ठीक है, दो दो की। चलो ये बचपन के खेला बताऊं मैं कौन सा मारने, नहीं वो कुछ नहीं करेगा पीछे, ये वाला हाँ ऐसे नहीं ऐसे एकदम नजदीक से, हाँ शायद चलो तीन तीन आपके, चलो पूरे बोलो, तीन तीन आप भी खेलो। हाँ बंद करो, वो डरा रही है इन लोग को। कौन सा? ये वाला, ये वाला फर्स्ट। हाँ चलो आपकी बारी। अरे वो आपको बोल देना, अरे यार फिर से बचपन में जाना पड़ेगा, दो दो पूरा याद है ये वाला। क्या बात है, क्या बात है शाहिद, वेरी गुड, गिव दैट। अब कौन सा करो? वो वाला, दिस वन। एक ही वर्स का, ओके हां शिट। चलो अब मार्क्स योर टर्न, किसको बोलूं? योर टर्न, ये हैदराबादी तेज मैं हैदराबादी नहीं, होगा नहीं अपना रूप लेंगे से। नहीं नहीं, इन लोग तो हैदराबादी है ना। अरे पूरा याद है यहाँ। क्या बात है, क्या बात है ना हमारा
बस घाघरे की कमी है। तो क्या बात है, क्या बात है। वो अपने मन में गा रही है, तेज गा नहीं रही है। और यहाँ दोनों ट्विंस बच्चे ना अच्छा इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा डांस वांस कर रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा शूट कर ली थी। अच्छा लगता है कभी कभी बच्चों को, तो प्लीज़ डोंट राइट बैड कमेंट्स। तो ये था जी आज का व्लॉग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। व्लॉग अच्छे लगते हैं, रेसिपीज अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। और चैनल पर न्यूली है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस मिले। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़र आई डी आंसर रिफरल लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा। तो या टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।